हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स ऑफ उदयपुर। ओके, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं बजट कैसे बनाते हैं टैली के अंदर और किस तरह से पूरा का पूरा बजट का जो ट्रांजेक्शन है, और उसके बाद हम लोग किस तरह से बजट वेरिएंस रिपोर्ट देख सकते हैं एक्चुअल फिगर्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बजट का, क्योंकि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेंसेज, अपनी इनकम, अपने एसेट्स, अपने लाइबिलिटीज के लिए बजट क्रिएट करती है। तो ऐसे केस में हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, टैली के अंदर तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट पर मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। आप लोगों के पास असाइनमेंट्स होंगे, तो आप लोग देखिए पॉइंट नंबर 12 में पूरा बजट दे रखा है कि टैली में कैसे बजट साफ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक्सपेंस बजट बनाना है आपको कुछ खर्चों के लिए, जिसमें रेंट और एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं जिन पर आपको एक्सपेंस बजट बनाना है। और रेंट का इन्होंने एसएससी कोड दे रखा है, यानी रेंट एक सर्विस है एक प्रकार से, और इसका जीएसटी रेट दे रखा है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको फुल फ्लेज्ड मिल जाएगी इसके ऊपर, जो कि बता रखा है। और रेंट जो है वो पर मंथ है कि 5,000 रुपीज आपको पर मंथ देना है। और ये जो बजट बनाना आपको जुलाई से मार्च 2018, यानी जुलाई 17 से मार्च 2018 पीरियड के लिए बनाना है। और एडवर्टीजमेंट के लिए आपको एनुअल बजट बनाना है 50,000 रुपये का, जिसका भी एसएससी कोड और जीएसटी रेट और आईटीसी दे रखा है। तो देखिए, दो अलग अलग तरह के बजट है, जहां पर रेंट पर आपको हर महीने 5,000 रुपये की लिमिट सेट करनी है, वहीं एडवर्टीजमेंट पर आपको एनुअल बजट बनाना है 50,000 रुपये का। तो ये दोनों ही अलग अलग तरह के बजट है, और हम लोग देखते हैं कि दोनों बजट पर आप लोग कैसे इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये दोनों बजट क्रिएट करेंगे, और इन बजट के बाद इनके ट्रांजेक्शन करने के बाद इनकी रिपोर्ट देखेंगे। तो देखिए, टैली में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टैली में अगर हमें बजट प्रिपेयर करना है तो F11 में चले जाइए, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। F11 अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर बजट एंड सिनारियो मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन होता है, आप देखिए ये रहा बजट एंड सिनारियो मैनेजमेंट। इसके अंदर मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल आप इसे यस कर दीजिए, मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल को आप क्या कर लीजिए, यस कर दीजिए। मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल यस कर दीजिए और आप इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद आप वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं, और इसके ऊपर आपको अब बजट जो मिलेगा ऑप्शन वो अकाउंट इन्फो में मिलेगा। अकाउंट इन्फो F11 में आप बजट को यस किया है, और अब आप गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट इन्फो में आए हैं, आपको यहाँ बजट नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बजट बनाने से पहले क्या करने पड़ेंगे, हमें ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चा रेंट और एडवर्टीजमेंट का, इनके लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम लोग लेजर्स में जा रहे हैं और क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा, जीएसटी एप्लीकेबल करना, जीएसटी डिटेल भी यस करना, रेंट का एक्सपेंस बना लेजर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में रेंट ले लिया, इसका एसएससी कोड डाल देता हूं यहाँ पर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन छोड़ देता हूं मैं, नॉट एप्लीकेबल। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेता हूँ और 18% ले। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए रेंट पर जीएसटी डिटेल डाल रहे हैं आप लोग, रेंट का एसएससी कोड डाला आपने, सर्विस अकाउंटिंग कोड, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, टैक्सेबिलिटी आपको टैक्सेबल लेना है। ये नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमें सेलेक्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम सारी चीजों के लिए कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं, बाकी अगर हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अलग अलग लेते हैं, सपोज
तो सारे के सारे लेजर्स भी फिर हमें अलग अलग बनाने पड़ते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर परचेज टैक्सेबल लिया तो फिर इसका मतलब ये टैक्सेबल हो गया। अब कहीं अगर आपका कोई रेंट एग्जेम्प्ट है, जैसे हाउस मान लो कोई आपका रेसिडेंशियल रेंट है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो उसके लिए फिर आपको अलग से परचेज एग्जेम्प्ट लेना होगा और उसके लिए लेजर भी फिर अलग बनेगा। ऐसे आप अगर कॉमन लेजर नहीं बना रहे तो फिर आपकी जो अकाउंटिंग है वो उसमें फिर आप नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो कोई नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ लेजर्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं उस केस में। तो ऐसे केस में आप लोग कॉमन लेजर का ही इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर रहता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और टैक्सेबल ले लीजिए, 18% जीएसटी रेट ले लीजिए और सेव कर दीजिए। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस ले लीजिए, सेव। रेंट के बाद हमारा दूसरा जो लेजर बनाना हमें वो एडवर्टीजमेंट का बनाना है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, इसमें भी जीएसटी यस कर दीजिए, एप्लीकेबल जीएसटी डिटेल यस कर दीजिए। एडवर्टीजमेंट एसएससी कोड डाल दीजिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं लेना, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लीजिए और जीएसटी रेट है इसका 5%, तो आप 5% डाल दीजिए। प्रिंट मीडिया पे 5% जीएसटी एडवर्टीजमेंट, और जो आपका डिजिटल मीडिया है उस पर एडवर्टीजमेंट का आपका 12% जीएसटी लगता है, ध्यान दीजिए। चलिए सेव कर देते हैं, सर्विस है और सेव। इस तरह से आपने दोनों लेजर बना दिए। अब आपको इनके लिए बजट प्रिपेयर करना है, तो गेटवे ऑफ टैली से ही अब आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और आप बजट में जाएंगे और बजट क्रिएट करेंगे आप। तो आपको बजट का नाम पूछा जा रहा है, तो जैसे यहाँ हमें बोला गया है कि आपको एक्सपेंस बजट बनाना है, एक्सपेंसेस बजट अंडर ग्रुप प्राइमरी ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। बजट हम लोग एक्सपेंस बजट बना रहे हैं। सबसे पहले पीरियड लेते हैं, तो देखिए जो हमें रेंट का बजट बनाना है वो जुलाई 17 से 31 मार्च 18 तक के लिए बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई से 31 मार्च तक आपको ये बजट बनाना है रेंट का, ठीक है। तो जुलाई से 31 मार्च तक अगर अपन बात करें तो अब किस पे बनाना है ये बजट हमें, ये बनाना हमें लेजर पे, तो हम लेजर पे यस करते हैं, जाके ग्रुप पे नहीं बनाना है, लेजर पे बनाना है। लेजर पर यस करते हैं और रेंट ले लेते हैं। तो बजट दो प्रकार से बनाया जा सकता है, क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग बैलेंस पे तब बनाना जब आप मंथली बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए का बजट बनाने जा रहे हैं, तो आप ये क्लोजिंग बैलेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ले लूँ और 5,000 ले लूँ, तो रेंट पे मैं क्लोजिंग बैलेंस पे बजट बना रहा हूँ 5,000, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई से 31 मार्च तक के लिए आप बजट बना रहे हैं रेंट का, यानी हर महीने 5,000 रुपए का बजट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रेंट टाइप ऑफ बजट में आपको लेना क्लोजिंग बैलेंस और 5,000 रुपीज डाल दीजिए, क्योंकि एक मंथली बजट बना रहे हैं। जबकि यहाँ से एंटर प्रेस करिए, जबकि जो आपका एडवर्टीजमेंट के लिए आपको बजट बनाना है, इन्होंने साफ तौर पर बोल रखा है वो एनुअल बजट है, मतलब पूरे साल का बनाना। 50 एनुअल पूरा साल कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल से, तो अप्रैल 17 से 31 मार्च तक के लिए बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर बताई आपको। रेंट के लिए हमने जुलाई से मार्च तक के लिए बना रहे और यस करते हुए रेंट में जाके हमने क्लोजिंग बैलेंस पे 5,000 डाल दिया।
जबकि इसी में हमने एक नया पीरियड लिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और इसमें हम लेजर में जाके यस करते हैं, क्योंकि ये भी एडवर्टीजमेंट पे बनाना, लेजर ही एडवर्टीजमेंट, यस करते हैं लेजर में, एडवर्टीजमेंट ले लेते हैं, और इसमें हम नेट ट्रांजेक्शन लेंगे। नेट ट्रांजेक्शन का मतलब ओवरऑल कितना बजट बनाना है, पूरे जो आपने पीरियड डाला है, जैसे मैंने पूरा साल डाला, अब मुझे पूरे ईयर का ओवरऑल कितना बजट चाहिए। तो वो नेट ट्रांजेक्शन पर हमें यहां पर बजट लेना है। ओके, और 50,000 रुपीज का हम लोगों को यहां पर बजट लेना। तो एडवर्टीजमेंट का हम लोग यहाँ पर बजट बनाने जा रहे हैं कितना, 50,000 रुपीज। नेट ट्रांजेक्शन इसलिए डाला है क्योंकि ये ओवरऑल बजट बना रहे हैं हम पूरे साल भर का, जबकि रेंट पर हमने क्लोजिंग बैलेंस लिया था और 5,000 डाला था क्योंकि वो मंथली बेसिस पे बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों अलग अलग पीरियड लिया आपने, दोनों पर अलग अलग तरीके से बजट सेट किया, और आपने ये सेट करने के बाद आप सेव कर दिए। बस कितना सा काम आप लोगों को करना होता है जब बजट आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब आपने दोनों चीजों पे बजट बना दिया, अब आपका कोई काम नहीं है, अब सारा का सारा जो वर्क है वो सारा वर्क यहाँ पर बेसिकली सॉफ्टवेयर खुद करेगा। आप सारी खाली ट्रांजेक्शन चढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग जो बजट वेरियंस रिपोर्ट है वो प्रिपेयर कर देगा। चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन, वापस आ गया बात। मैंने अभी अभी में दो काम किए, पहला काम मैंने F11 में जाके बजट एंड सिनेरियो में जाके बजट यस किया, फिर मैंने अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स क्रिएट किए जिन पे मुझे बजट बनाने हैं, और लेजर के बाद मैंने बजट प्रिपेयर किया है, एक्सपेंस बजट, जो कि दोनों अलग अलग लेजर पर अलग अलग तरीके से मैंने सेट किया लिमिट। ओके, चलिए अगला एक ट्रांजेक्शन दे रखा है कि 20,000 रुपए मास पब्लिकेशन को, जिसका जीएसटी नंबर दे रखा पार्टी का, उसको आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया है, न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट लगाया है उसके लिए, और 31 जुलाई को, और ये आपने पेमेंट किया है बैंक के चेक से, सेंट्रल बैंक के चेक से। मतलब ये हो गया कि आपने 20,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया किसी पार्टी को, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी, ठीक है। अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है और आपने एडवर्टीजमेंट के लिए उन्हें 20,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर आपने सर्विस लिया है और सामने वाले ने आपको सर्विस दिया है, बकायदा वो जीएसटी लेगा भी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे आपने जीएसटी बताया भी है। तो ये एक्सपेंस की एंट्री जरूर है, लेकिन जीएसटी का मैटर है इसके ऊपर। जीएसटी का मैटर इसलिए है क्योंकि एडवर्टीजमेंट जीएसटी एप्लीकेबल है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर जीएसटी लगता है, इस वजह से आपको ये एंट्री परचेज में करनी पड़ेगी। कोई भी सर्विस अगर आप परचेज करते हैं F9 इनवॉइस मोड में, लेकिन आइटम इनवॉइस में ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट एक आइटम नहीं है, एक लेजर है। तो ऐसे केस में हम इसे अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, यहाँ से आप ले लीजिए अल्टर प्लस आई, तो यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ आ रहा है। अकाउंटिंग इनवॉइस में आप ये एंट्री करें एडवर्टीजमेंट की, और सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो अब देखिए यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर तो हमने दे नहीं रखा, लेकिन हम ठीक है कुछ भी डाल देते हैं, ADV01 डाल देते हैं, ठीक है। 31 जुलाई पार्टी नेम में हमें, हालांकि हमने मास पब्लिकेशन से ये जरूर हमने एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज लिया है, लेकिन मास पब्लिकेशन को हमने पेमेंट भी कर दिया, तो पार्टी नेम में हमारा बैंक अकाउंट आ जाए, क्योंकि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर पार्टी का कोई लेजर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। पार्टी का लेजर तब क्रिएट करना होता है जब आपका वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हो रहा हो। अब हमारा ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे तो हो ही नहीं रहा, हमने तो पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में कोई पार्टी नेम नहीं आता। ओके, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पर पार्टी नेम आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सप्लायर नेम डालना होता है। तो सप्लायर नेम में आप यहाँ पर डाल दीजिए मास
पब्लिकेशन, मास पब्लिकेशन, और राजस्थान की पार्टी है, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप ले लेते हैं अपन रेगुलर, और इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं, जो कि देख इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर अपने को डालना होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो सॉफ्टवेयर आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा। This is the GST number of the party mass publication. So, ऊपर जब मैंने पार्टी नेम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिया और सप्लायर डिटेल में मुझे ये सप्लायर की डिटेल डालनी है, इसलिए डालनी है क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो डालनी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि ये बी टू बी इनवॉइस बन रहा है आपका, ठीक है। और पर्टिकुलर में आप ले लेंगे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, परचेज के अंदर हम लोग एडवर्टीजमेंट की एंट्री कर रहे हैं, और वो भी हम अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री कर रहे हैं, आइटम इनवॉइस में नहीं करनी, अकाउंटिंग इनवॉइस में करनी, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ आना चाहिए। अल्टर आई से आप लोग यहाँ स्विच कर सकते हैं आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस के बीच, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ले लेना और 20,000 रुपये ले लेना। और इसके साथ साथ आपको देखिए, इसके साथ आपको अब सीजीएसटी एसजीएसटी भी लेना पड़ेगा, ये सीजीएसटी ये एसजीएसटी, तो 21,000 हो गया टोटल मिला के, लेकिन एडवर्टीजमेंट के अकाउंट में सिर्फ 20,000 जाएगा, 1,000 रुपये आपका जीएसटी जीएसटी और एसजीएसटी। तो ये एक एंट्री होगी आपकी एडवर्टीजमेंट की, और जो आप बजट बना रखा है उसमें से 50 में से आपने यहाँ 20 यूज कर लिया, तो जो एक्चुअल आपका जो बजटेड फिगर है वो 50 का है इन न्यूली, और उसमें से आपने यहाँ 20 एक्चुअल में पेमेंट कर दिया, वेरियंस में अभी भी आप 30,000 रुपये और खर्च कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट में आपको दिखेगा। सो वी कैन सी कि जैसे आप ये एंट्री करें, ये ट्रांजेक्शन आपका हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट बाद चेक नंबर भी दे रखा है, तो चेक नंबर डाल देते हैं अपन 214083, हमने चेक दिया ना पार्टी को, तो हमने चेक नंबर डाल दिया, ठीक है, और हम इसे सेव कर देते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये एक्सपेंस की एंट्री है, अब तक आपने सारी की सारी जो एंट्रियाँ की है वो सारी परचेज में की थी, गुड्स परचेज की एंट्री, लेकिन पहली बार आपने एक सर्विस परचेज की है, और सर्विस परचेज की है और टैक्सेबल सर्विस परचेज की है, जिस पर आपने बकाया था 1,000 रुपये का टैक्स भी दिया सी जी एस टी और एस जी एस टी 500, तो ऐसे केस में फर्स्ट टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एंट्री भी वैसा ही रिपोर्ट में डिस्प्ले होगी जैसी आपकी दूसरी परचेज की एंट्री डिस्प्ले होगी, यानी गुड्स और सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं होता है जी एस टी के नज़रिए से, क्योंकि जी एस टी में अगर दोनों ही चीज़ों पर, गुड्स पर भी जी एस टी लगता है, सर्विस पर भी जी एस टी लगता है, तो गुड्स खरीदा तब भी वो जीएसटीआर 2 में और 3B में आएगी, और सर्विस खरीदा तब भी वो जीएसटीआर 2 में और 3B में आपको आईटीसी में रिफ्लेक्ट करेगी। चलिए देखते हैं पहले हम लोग जीएसटी की रिपोर्ट्स, DOG 2, जीएसटीआर 2 में चलते हैं, और ये बी टू बी इनवॉइस में चली गई होगी एंट्री, तो अपन बी टू बी इनवॉइस में जाते हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, और आप देख सकते हैं ये सेंट्रल बैंक वाली ये वो एंट्री 20,000 रुपये वाली, पार्टी में सेंट्रल बैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है, और यहाँ 20,000 और ये 1,000 रुपये का आपका ये टैक्स जो आपने पे किया उसकी आपको आईटीसी अवेलेबल है, ये वही एंट्री है जो आपने अभी अभी एडवर्टीजमेंट की थी। तो ये जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट कर रही है एंट्री, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में नजर आ रही है, और जीएसटीआर 3B में भी ये आईटीसी में जाके ऐड हो गया होगा 1,000 रुपये। तो चलिए जीएसटीआर 3B में आते हैं, एलिजिबल आईटीसी में चलते हैं, और इसमें ऑल अदर आईटीसी में चलते हैं, तो ये देखिए लास्ट लास्ट में मास पब्लिकेशन से 1,500 रुपये का एडवर्टीजमेंट का इनवॉइस बना था, उसका ये 500 रुपये की आपको आईटीसी नजर आ रही है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सर्विस परचेज की फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एंट्री की यहाँ पर, सर्विस भी परचेज करोगे तो भी परचेज में एंट्री करनी है, बस आइटम इनवॉइस में नहीं करके अकाउंट इनवॉइस में एंटर करना, ठीक है। तो जीएसटी की रिपोर्ट्स पे तो इसके सेम इम्पैक्ट जाएंगे जैसे इफेक्ट्स आपके बेसिकली गुड्स के केस में गए थे, कि जो गुड्स आपने खरीदा था और जैसे जीएसटी की रिपोर्ट पर आपको जीएसटीआर 2 में और 3B में नजर आ रहा था, सेम टू सेम आपको सर्विस परचेज करने पे भी नजर आएंगे इफेक्ट, ओके। लेकिन जो बजट है, अब देखिए अपन बजट की बात करते हैं, कहाँ से देखेंगे बजट, आप लोग बजट देख सकते हैं सीधे सीधे ट्रायल बैलेंस से, तो देखिए मैं बता रहा हूँ बजट कहाँ से देखेंगे अपन, डिस्प्ले में पहला ही पहला ऑप्शन होता है ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको साइड में एक ऑप्शन नजर आएगा अल्टर बी करके बजट वेरिएंस,
बजट वेरिएंस पे क्लिक करें, वापस बता रहा हूँ देखिए ध्यान से, टी फॉर डिस्प्ले, टी फॉर ट्रायल बैलेंस एंड बजट वेरिएंस में चले जाएं, एक्सपेंस का बजट बना रखा हमने वो ले लेते हैं और लेजर वाइज देखते हैं। अभी ये ग्रुप वाइज दिख रहा है, सारे ग्रुप्स हैं, आपको लेजर वाइज देखना है तो ये F5 लेजर वाइज देखो आप। तो अब हमने किन किन चीजों पे बजट बनाया उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है, चलिए एडवर्टीजमेंट आए, एंटर मार दीजिए। अब आपको यहाँ पर बताएगा ये कि जो आपने एडवर्टीजमेंट के बजट पर जो बजट बनाया है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ जुलाई की ट्रांजेक्शन डाली है, ना आगे का ना पीछे का हमने कुछ डाला है। हमने जो एडवर्टीजमेंट पे बजट बनाया वो पूरे साल भर के लिए 50,000 का बनाया। अब जो साल में से जो महीने अब तक निकले हैं, यानी ये जो रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट आप तक दिख रही है वो 31 जुलाई तक की दिख रही है। अगर आप यहाँ अल्टर F2 करके पूरा साल ले लेते हैं, मान अल्टर F2 पीरियड करें और आप यहाँ 31 मार्च तक देखोगे तो आपको जैसे अभी आगे ट्रांजेक्शन हुए नहीं तो वो आपको आगे का तो सीन बता नहीं रहा है। बस ये ध्यान देना आपको कि जैसे जो महीने अब तक 31 जुलाई तक के निकले हैं वो महीनों की अगर अपन बात करें तो उन महीनों में जैसे इसने उस 50,000 को डिवाइड कर दिया दिन के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, कि हर महीने कितना कितना अमाउंट आप खर्च कर सकते थे। तो देखिए अप्रैल में इतना हिस्सा आया, मई में इतना आया, जून में इतना आया, ठीक है। तो अप्रैल और जून में 30-30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, तो एक दिन का यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा भी आ रहा है। तो इस तरह से इसने डिवाइड किया उस 50,000 रुपीज को मंथ के हिसाब से और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। अब इसमें भी हमें पता है कि हमने अप्रैल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, बच गया पूरा का पूरा, ठीक है, मई में नहीं किया बच गया, जून में नहीं किया बच गया, जुलाई का भी अपना तो टोटल मिलाकर जुलाई तक आपको 16,712 रुपए खर्च करने चाहिए, ठीक है। जुलाई तक आपका टोटल कितना खर्च करना चाहिए था एडवर्टीजमेंट पे, 16,712 रुपए, और आपने खर्च कितना किया है तो ये अब देखिए ये यहाँ पर ये तो ये बजट बनाया आप, ये एक्चुअल फिगर्स है। तो जो आपने जुलाई में एक्चुअल में जो खर्च कर दिया, अगर मैं सिर्फ जुलाई की बात करूँ तो सिर्फ जुलाई में 4,000 रुपए खर्च करने चाहिए थे, 4,246 रुपए, और आपने 20,000 खर्च कर दिए। इसका मतलब जुलाई के बजट की अगर बात करूं तो जुलाई महीने में आपने बजट को 470% यानी ऑलमोस्ट 5 times ज्यादा स्पेंड कर दिया आपने वो अमाउंट, ठीक है। और ये 5 times ज्यादा अमाउंट कितना स्पेंड कर दिया, इतना आपने ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर दिया 15,753 का, ये अगर मंथ वाइज देख रहा हूं तो। और ओवरऑल अगर मैं अब तक की रिपोर्ट देखूं तो ओवरऑल रिपोर्ट में ये था कि आपने 4 महीने में 16,712 रुपए खर्च करना चाहिए था और आपने किया है ये 20,000, यानी आपने बजट का 119% यानी 120% के आसपास आपने बजट यूटिलाइज कर दिया, यानी 20% आपने ओवर यहाँ पर खर्चा कर दिया, ये इतना ज्यादा खर्च कर दिया आपने एक्चुअल में, इतना आपको कंट्रोल रखना था। तो ये बजट क्या करता है, आपको एक लिमिट देता है, बजट और कुछ भी नहीं है, बजट सिर्फ हमें क्या देता है, एक लिमिट देता है, कंट्रोलिंग लिमिट देता है कि हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है, हमें कितना एक्सपेंस करना है। अब हमें यहाँ ये पता पड़ गया कि हमने यार जुलाई में थोड़ा 3,000 रुपए के आसपास ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर दिया, तो अगस्त में हम ध्यान रखेंगे कि हम उस चीज को वापस रिकवर कर सके। तो बजट सिर्फ हमें एक हिंट देता है, एक लिमिट देता है, एक कंट्रोलिंग लिमिट देता है कि हमें कितना अमाउंट साल का हमारा बजट है हमने बना रखा है और कितना हमें स्पेंड करना है। अगर हमने जुलाई में 20,000 कर दिया तो अब हमें ये भी पता है कि हमें बाकी के 9 महीनों में रेस्ट ऑफ द 9 मंथ हम लोगों को या 9 या 8 मंथ क्योंकि जुलाई की काउंट कर लेते हैं, तो 8 मंथ रेस्ट ऑफ द 8 मंथ हम लोगों को 30,000 रुपीज और बचा है जो हमें स्पेंड करना है। अगर आपने 30,000 रुपीज पहले ही खर्च कर दिया तो फिर शायद आप एडवर्टीजमेंट और आगे पूरे साल भर कोई खर्च नहीं करेंगे। तो बजट ये होता है जो आपको लिमिट देता है हर चीज का। हम लोग भी तो हमारा डेली रूटीन में बजट बनाते हैं कि हमें किस चीज पे कितना खर्चा करना है, आप लोग भी तो बनाते हैं कि आपको किस चीज पे कितना खर्च करना है। आपको अगर कोई जूते लाने हैं तो आपका बजट होता है कि भाई मेरे को जूते कितने तक लेके आने हैं, तो आप उस बजट के अकॉर्डिंग ही चॉइस पसंद करते हैं। अब वो दुकान आपका बजट है 2,000 रुपए के शूज लाने, दुकान में गए, दुकान वाले ने आपको कोई शूज उठा के 6,000 का दे दिया, आप लोगे क्या, नहीं लोगे, क्योंकि आप बजट के अकॉर्डिंग चलते हो। हाँ, 2,000 की जगह आप 2,200-2,500 तक जा सकते हैं लेकिन 6,000 की जगह नहीं जा सकते। जो बजट हमें सिर्फ कंट्रोलिंग लिमिट देता है एक्चुअल में। सो यहाँ पर भी टैली में आप हर चीज के लिए बजट बना सकते हैं, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, लेकिन बजट आपको सिर्फ एक लिमिट प्रोवाइड करता है जो आपको हमेशा ये एहसास दिलाता है कि मुझे इस चीज पर कितना स्पेंड करना है। तो यहाँ हमने अभी एडवर्टीजमेंट की एंट्री डाली, उसके बाद हमने ये देखा। अब देखिए यहाँ पर आप अगर रेंट पर भी जाएं, देखिए रेंट पर अभी तक कोई ट्रांजेक्शन तो आपने नहीं डाला है, रेंट की कोई एंट्री आपने की नहीं है एक्चुअली में, तो रेंट आपको यहाँ पर नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। रेंट की एंट्री आगे आएगी, मैं बताऊंगा आपको।
बस ये एक बजट है जो आपने अभी एडवर्टीजमेंट पे बनाया, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से आप बजट वेरिएंस में जाके F5 करके जो भी बजट आपने बनाया लेजर वाइज में जाके आप वो बजट यहाँ पर देख सकते। देखिए यहाँ कहीं रेंट नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ वही लेजर नजर आ रहे हैं जिन लेजर में कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं अब तक, ठीक है। वो लेजर आपको नजर नहीं आएंगे जिनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं। ट्रायल बैलेंस में वो लेजर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ऐसे केस में आपको अब वेट करना है कि जब रेंट की एंट्री आएगी तब हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको बजट को देख पाए, ठीक है। रेंट के केस में ये मैंने एडवर्टीजमेंट पे आपको बताया, और ये क्लोजिंग बैलेंस पर बजट बनाया था हमने, सॉरी नेट ट्रांजेक्शन पर बजट बनाया था। नेट ट्रांजेक्शन मतलब पूरे साल भर का नेट अमाउंट आपने 50,000 डिक्लेयर किया था, तो उसने ऑटोमेटिकली उस 50,000 को मंथ वाइज डिवाइड कर दिया और मंथ में भी आपको नंबर ऑफ डे वाइज डिवाइड। अब जैसे फरवरी महीने में सबसे कम अमाउंट अलॉटेड होगा क्योंकि फरवरी में सबसे नंबर ऑफ डे सबसे कम होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बजट इन टैली, और इस तरह से आप टैली के अंदर बजट बना सकते हैं। और अब तक बजट के जस्ट बाद तक की आपकी ये बैलेंस शीट है जो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये हमारा अब तक का पूरा मिला जुला असर है। और जैसे ही मैंने अभी 20,000 की बजट की एडवर्टीजमेंट की एंट्री डाली है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर फ्लक्चुएट हुआ है। मेरा जो लॉस अब तक 4,200 आ रहा था वो 24,200 हो गया। तो ये बजट वेरियंस रिपोर्ट और ये आपकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। आफ्टर बजट आपका बैलेंस शीट का टोटल है 43,57,165। योर लॉस इज 24,200। योर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टोटल 8,88,176 एज वेल एज योर क्लोजिंग स्टॉक इज 42,61,625। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ बजट। आगे का टॉपिक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे अब कोई भी आपको डिस्कशन करना है तो आप लोग अभी डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ।